डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आइसोलेशन के बारे में। आइसोलेशन जिसको हिंदी में वियोजन कहें या पार्थक्य यानी सेपरेशन। एक ही जाति की समष्टियाँ किन्हीं कारकों के द्वारा छोटी छोटी इकाइयों में पृथक होने तथा उनके जंतु सदस्यों के मध्य संकरण न होने की क्रिया को वियोजन या पार्थक्य कहते हैं। तो कोई एक जाति की पॉपुलेशन है, कोई एक बड़ी पॉपुलेशन है, अगर वो छोटे छोटे ग्रुप्स में बंट गई और उनके बीच में किसी प्रकार का अवरोध आ गया कि वो सदस्य आपस में मिल नहीं पाए, और जब कुछ समय के अंतराल बाद में वो मिलते हैं तो उनके बीच में ब्रीडिंग या संकरण नहीं हो पाता है, तो इस क्रिया को पार्थक्य या आइसोलेशन कहते हैं। इस तरह वियोजन एक ही जाति के प्राणियों को छोटे छोटे समूहों में विभक्त कर देता है, तो छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा, और ये समूह फिर नई जाति में विकसित हो जाते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे समूह जो कि दूर दूर चले गए हैं वहाँ पर क्लाइमेटिक चेंज होने के कारण या म्यूटेशन होने के कारण उन जंतुओं में, तो उन जंतुओं के द्वारा धीरे धीरे नई प्रजाति का विकास हो जाता है। जैसा कि डार्विन ने बताया था, जैव विकास विभिन्नताओं पर आधारित होता है, उसी तरह वियोजन भी जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आइसोलेशन भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि किसी प्राणी में उपयोगी विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाए, बेनिफिशियल वेरिएशंस उत्पन्न हो जाए, तथा वह अपनी पेरेंटल पॉपुलेशन से अलग न हो, उसी में संकरण करता रहे, उसी के साथ में ब्रीडिंग करता रहे, तो हो सकता है कि ये बेनिफिशियल वेरिएशंस एक्सटिंक्ट हो जाए या विलुप्त हो जाए। परंतु यदि ऐसे प्राणियों को अलग करके, उनको सेपरेट करके केवल उनमें ही ब्रीडिंग होने दी जाए, तो ये वेरिएशंस जो हैं एस्टेब्लिश हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी और इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पेसीज में हेल्प करेगी। मेटकॉफ के अनुसार कोई भी कारण जो एक ही जाति के सदस्यों को आपस में फ्रीली ब्रीडिंग करने से रोकता है और उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, उसको आइसोलेशन कहते हैं। आइसोलेशन का ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में लेमार्क और डार्विन के समय से ही ज्ञात है। अल्फ्रेड वेगनर ने ज्योग्राफिकल आइसोलेशन को नई जाति के उद्भव में महत्वपूर्ण माना था। इनके अनुसार आइसोलेशन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में महत्वपूर्ण मील का पत्थर कहलाता है। उन्होंने आइसोलेशन को जातियों के निर्माण में परमावश्यक कारण माना है। रोमेनीज के अनुसार आइसोलेशन के बिना ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। इनके अनुसार वेरिएशंस, जेनेटिक्स एंड आइसोलेशन, ये तीनों सिमिलर फैक्टर्स है जिनके कारण ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पॉसिबल हुआ है। न्यूमैन के अनुसार ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की संपूर्ण क्रिया को समझने में आइसोलेशन अति आवश्यक भाग है। मुल्लर के विचार में सेलेक्शन द्वारा एस्टेब्लिश जो करेक्टर्स है उनके अलावा अन्य लक्षणों या अन्य करेक्टर्स जो अदर करेक्टर्स है उनके ओरिजिन में, उनके उत्पादन में आइसोलेशन एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक महत्वपूर्ण कारक है। हक्सले ने आइसोलेशन को जैव विकास का अनिवार्य कारक माना है। नेक्स्ट है आइसोलेटिंग मैकेनिज्म या वियोजन की टाइप्स ऑफ आइसोलेशन। मेंडेलियन पॉपुलेशन के बीच में ब्रीडिंग और जीनों के आदान प्रदान यानी एक्सचेंज ऑफ जीन्स को विभिन्न कारक नियंत्रित करते हैं। अनेक कारण होते हैं जो सहकारी रूप में कार्य करते हैं यानी एक साथ साथ में काम करते हैं, जो एक ही जाति के सदस्यों के बीच जननिक वियोजन यानी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन उत्पन्न करते हैं। डॉब्जेनस्की ने 1937 में आइसोलेटिंग मैकेनिज्म का विस्तृत वर्गीकरण किया
इसमें इन्होंने उन सभी फैक्टर्स को सम्मिलित किया जो कि आइसोलेशन को उत्पन्न करते हैं। इन्हीं आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आइसोलेशंस का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया गया है। डॉब्जेनस्की ने वियोजनकारी क्रियाविधियों को आइसोलेटिंग मैकेनिज्म को दो मेन सीरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एंड सेकंड है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो पहला तो है भौगोलिक वियोजन और दूसरा है जननिक वियोजन। मैकम ने आइसोलेटिंग मैकेनिज्म का एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन प्रस्तावित किया है। उन्होंने वियोजनकारी क्रियाविधियों को आइसोलेटिंग मैकेनिज्म को दो मुख्य भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है वियोजनकारी क्रियाविधियाँ जो कि इंटरब्रीडिंग को रोकती है। तो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म जो कि इंटरब्रीडिंग को रोकती है और आइसोलेटिंग मैकेनिज्म जो कि इंट्राब्रीडिंग की पूर्ण सफलता को कंप्लीट सक्सेस को रोकती है। इसमें से पहला है आइसोलेटिंग मैकेनिज्म जो कि इंटरब्रीडिंग को रोकती है, एक ही जाति में प्रजनन को रोकती है। इन क्रियाविधियों को फिर निम्न उपसमूहों में सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और ये कारक हैं। फर्स्ट है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, सेकंड है आइसोलेशन ड्यू टू डिस्टेंस, थर्ड है क्लाइमेटिक आइसोलेशन, फोर्थ है सीजनल आइसोलेशन, फिफ्थ है हैबिटेट आइसोलेशन और इकोलॉजिकल आइसोलेशन, सिक्स्थ है इथोलॉजिकल आइसोलेशन, सेवन्थ है मैकेनिकल आइसोलेशन एंड लास्ट है फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन। तो इसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के बारे में। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि अल्फ्रेड वैगनर ने सबसे पहले ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की इम्पोर्टेंस को स्पेसिएशन के लिए समझाया था कि जाति उद्भवन जो है वो भौगोलिक पृथक्करण के द्वारा किस प्रकार से होता है, इसके बारे में अल्फ्रेड वैगनर ने बताया था। तो अल्फ्रेड वैगनर ने सर्वप्रथम भौगोलिक वियोजन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और इस प्रकार का वियोजन नई जातियों के उद्भव में एक महत्वपूर्ण कारक होता है। एक ही जाति की कई पॉपुलेशंस पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्रों में फैली रहती है। अधिकांश पॉपुलेशंस अनेक प्रकार की ज्योग्राफिकल बैरियर्स के द्वारा एक दूसरे से अलग रहती है। ये ज्योग्राफिकल बैरियर्स या भौगोलिक रोधिकाएँ निम्न प्रकार की हो सकती हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएँ हो सकती है या डेजर्ट हो सकता है या डेंस फॉरेस्ट हो सकता है या ओशियंस हो सकते हैं या रिवर्स हो सकते हैं। तो इस प्रकार की कई सारी ज्योग्राफिकल बैरियर्स है जो कि पृथ्वी पर एक ही पॉपुलेशन के मेंबर्स को यानी अलग अलग पॉपुलेशन बनी हुई है। ये बैरियर्स एक ही जाति की पॉपुलेशंस को पृथक करती है और इनके कारण इन पॉपुलेशन में उपस्थित जो पोटेंशियल मैट्स है यानी जो ब्रीडिंग योग्य जीव है वो आपस में नहीं मिल पाते हैं तथा वियुक्त समष्टियों के बीच में यानी जो सेपरेटेड पॉपुलेशंस है इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ जीन या जीनों का आदान प्रदान रुक जाता है। इस प्रकार का आइसोलेशन हवाई द्वीप में पाए जाने वाले लैंड स्नेल यानी स्थलीय घोंगे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार का आइसोलेशन अभी जैसा कि इन्होंने बताया था कि हवाई द्वीप पर उपस्थित घोंगे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के द्वारा एलोपेट्रिक स्पेसीज यानी विस्थापनिक जातियाँ बनती हैं जो कि दूरीगत या विस्थापन के कारण नई प्रजातियाँ जिनसे बनी हैं। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के कारण एलोपेट्रिक स्पेसिएशन की क्रिया होती है यानी विस्थापनिक जाति उद्भवन की क्रिया होती है। जैसे कि इसका उदाहरण अभी हमने पढ़ा था हवाई द्वीप के घोंगे है, इसी प्रकार से दक्षिणी और उत्तरी एलिफेंट सील है, तो सील मछली है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों स्थानों पर पाई जाती है, लेकिन क्योंकि दोनों पोल पृथ्वी के दोनों अलग अलग विपरीत दिशाओं में स्थित हैं तो इस कारण से ये आपस में कभी मिल नहीं पाती हैं और उनमें प्रजनन नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से
ये जो है अलग प्रकार की प्रजाति बन जाती है। इसमें सेकंड है आइसोलेशन ड्यू टू डिस्टेंस, दूरीगत वियोजन। एक ही जाति के कई प्राणी दूर दूर तक फैले रहते हैं तथा बिना किसी प्राकृतिक बैरियर्स या नेचुरल बैरियर्स के भी उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वे एक दूसरे से इतने दूर होते हैं कि उनमें आपस में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार दूरी अपने आप में एक बाधक का कार्य करती है, बैरियर का काम करती है, और एक ही जाति के प्राणियों के बीच में जननिक वियोजन उत्पन्न हो जाता है या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक आइसोलेशन। एक ही जाति के सदस्यों के बीच में ज्योग्राफिकल आइसोलेशन अगर ये नहीं भी हो तो भी उनमें कई बार आपस में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए होता है कि उनके डिस्ट्रीब्यूटरी जो एरियाज है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो भिन्न होती है, और इन क्लाइमेटिक फैक्टर्स के कारण इनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन उत्पन्न हो जाता है। जैसे स्पेसिफिक रीजन में रहने वाले प्राणियों के उस रीजन की क्लाइमेट में भिन्नता होने के कारण उनमें आइसोलेशन उत्पन्न होता है, और क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स है जो कि आइसोलेशन को उत्पन्न करते हैं वे निम्न प्रकार से हो सकते हैं। जैसे टेम्परेचर, अलग अलग स्थानों पर टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, ह्यूमिडिटी अलग अलग हो सकती है, मिनरल कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स जो हैं वो अलग अलग हो सकती है, या केमिकल कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है। तो ये कारक प्राणी की उपापचयी क्रियाओं को, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करते हैं और आपस में ब्रीडिंग को रोकते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक आइसोलेशन। आगे वाले जो हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे जेनेटिक आइसोलेशन है। तो पहला था ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में हमने दो प्रकार इसमें पढ़ लिए, पहला था आइसोलेशन ड्यू टू डिस्टेंस, सेकंड है क्लाइमेटिक आइसोलेशन। अब सेकंड टाइप है जेनेटिक आइसोलेशन, जननिक पृथक्करण, और इसके द्वारा सिंपेट्रिक स्पेसीज यानी समस्थानिक जातियों का निर्माण होता है जेनेटिक आइसोलेशन के द्वारा। और इसमें हम पढ़ेंगे सीजनल आइसोलेशन, इथोलॉजिकल आइसोलेशन, मैकेनिकल आइसोलेशन, फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन, साइटोलॉजिक बैरियर्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो छह फैक्टर्स है यहाँ पर। पहला है, सबसे पहला है सीजनल आइसोलेशन। एक ही जाति के कई प्राणियों में या विभिन्न जातियों के प्राणियों के बीच में ब्रीडिंग या मेटिंग इसलिए नहीं हो पाती हैं क्योंकि उनमें सीजनल जो ब्रीडिंग सीजन है वो अलग अलग होती है। एक ही जाति के प्राणी भिन्न भिन्न पॉपुलेशन ग्रुप्स में रहते हैं और उनकी ब्रीडिंग सीजन्स जो हैं वो अलग अलग होने के कारण उनमें अपने आप ही आइसोलेशन उत्पन्न हो जाता है। और इस तरह का आइसोलेशन जो है प्लांट्स में बहुत ही कॉमन होता है, परंतु कुछ जंतुओं में भी इस प्रकार का आइसोलेशन पाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे अमेरिकन टॉड है और फाउलेरी टॉड है। तो अमेरिकन टॉड और फाउलेरी टॉड के बीच में इस प्रकार का जो सामान्य कंडीशन में उनमें आपस में मेटिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि अमेरिकन टॉड में ब्रीडिंग जो है वो रेनी सीजन के शुरुआत में होती है, जबकि फाउलेरी टॉड में ब्रीडिंग सीजन जो है वो वर्षा ऋतु के अंत में होती है। तो इस प्रकार से उनमें नेचुरली सीजन जो है सीजनल आइसोलेशन पाया जाता है। इसी प्रकार से जलीय प्राणियों और पक्षियों में भी, एक्वेटिक एनिमल्स और बर्ड्स में भी इस प्रकार का आइसोलेशन पाया जाता है। इसमें सेकंड है हैबिटेट और इकोलॉजिकल आइसोलेशन, यानी आवासीय वियोजन या पारिस्थितिकीय वियोजन। आवासीय वियोजन या पारिस्थितिकीय वियोजन, एक ही जाति की पॉपुलेशंस अलग अलग क्षेत्रों में निवास करती है जो उनका हैबिटेट या आवास कहलाता है। इस प्रकार के वियोजन के अंतर्गत प्राणी अपने आवास व भोजन के कारण वियोजित रहते हैं,
मूर ने इन्हें हैबिटेट आइसोलेशन नाम दिया, जबकि मूडी ने इसको इकोलॉजिकल आइसोलेशन कहा है। तो इसका उदाहरण है स्टिकल बैक फिश। स्टिकल बैक फिश जो है इसकी दो इकोलॉजिकल आइसोलेटेड स्पेसीज देखने को मिलती हैं। इनमें से एक जाति जो है, एक स्पेसीज जो है, वो पूरे वर्ष फ्रेश वाटर में अलवणीय जल में रहती है, जबकि दूसरी जाति जो है वो विंटर में तो समुद्र में रहती है, मैरीन वाटर में रहती है, लेकिन यह स्प्रिंग में और समर सीजन में एस्चुरी में आ जाती है। वेला संगम, आप जानते हैं वेला संगम, जहाँ पर नदी आकर के समुद्र में मिलती है, रिवर आकर के सी में या ओशियन में मिलती है, तो वहाँ पर कुछ दूरी तक जो नदी का मीठा पानी है, फ्रेश वाटर है, और समुद्र का खारा पानी है, तो इन दोनों के बीच का जल पाया जाता है और इस क्षेत्र को एस्चुरी कहते हैं। यानी कि वहाँ का पानी न तो समुद्र जितना खारा होता है, न नदी जितना मीठा होता है, तो इस वाले क्षेत्र को एस्चुरी कहते हैं। तो स्टिकल बैक फिश जो है उसकी एक प्रजाति तो पूरे साल ही फ्रेश वाटर में रहती है, और दूसरी उसकी जो पॉपुलेशन है, स्पेसीज जो है, वो सर्दियों में तो विंटर में तो समुद्र में रहती हैं, और स्प्रिंग और समर सीजन में एस्चुरी में आ जाती हैं। इस तरह का एक और उदाहरण नेट्रिक्स साइपेडॉन में नामक ये एक्वेटिक स्नैक है, इसमें देखा जा सकता है। इसमें सेकंड है इथोलॉजिकल आइसोलेशन, व्यवहारिक वियोजन। इस प्रकार के वियोजन में मुख्य कारक जो है, मेन फैक्टर जो है, वो है कोर्टशिप बिहेवियर। तो कोर्टशिप बिहेवियर उन क्रियाओं का सामूहिक स्वरूप होता है जो मेटिंग से पूर्व मेल और फीमेल के द्वारा प्रजेंट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। हर जाति के प्राणियों में मेटिंग से पूर्व अनेक विशिष्ट अनुरंजक क्रियाएं होती हैं, कोर्टशिप डिस्प्ले होता है। यदि इन क्रियाओं में थोड़ा भी अंतर आ जाता है तो उनमें मेटिंग पॉसिबल नहीं होती है। अतः इस प्रकार के व्यवहार के कारण प्राणी जेनेटिकली आइसोलेटेड हो जाते हैं, जननिक रूप से वियोजित हो जाते हैं। मैटिंग के समय मादाएं उन्हीं मेल्स को स्वीकार करती हैं जो कि स्पेसिफिक कोर्टशिप बिहेवियर दिखाते हैं। ये स्पेसीज स्पेसिफिक जो कोर्टशिप बिहेवियर है, जाति की विशिष्टता को प्रदर्शित करती है। संगम के लिए यानी मैटिंग के लिए जाति पहचान के लक्षणों को तीन समूहों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें कोर्टशिप डिस्प्ले जो है, या तो विजुअल डिस्प्ले होता है, या साउंड के द्वारा होता है, या स्पेसिफिक ऑर्डर के द्वारा होता है। तो फर्स्ट है विजुअल डिस्प्ले। कुछ जातियों में क्या होता है, शरीर पर एक विशिष्ट रंगों का पैटर्न पाया जाता है, या उनकी जो मॉर्फोलॉजी है उनकी शेप निश्चित होती है, और उनमें स्पेसिफिक मूवमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये सभी लक्षण जो है विजुअल स्टिमुलई से संबंधित होते हैं, दृश्य उद्दीपन से संबंधित होते हैं। कुछ जातियों में विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न की जाती है जो अपने ब्रीडिंग पार्टनर को या पोटेंशियल मैटिंग पार्टनर को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये लक्षण ध्वनि उद्दीपन या साउंड स्टिमुलई कहलाते हैं। और तीसरा है कुछ जातियों में प्राणी विशिष्ट गंध स्पेसिफिक ऑर्डर उत्पन्न करते हैं, फिरोमोन्स उत्पन्न करते हैं, जो अपने संगम साथियों को, मैटिंग मैट्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए ड्रोसोफिला के कोर्टशिप डिस्प्ले को 6 प्रावस्थाओं में 6 स्टेजेज में डिवाइड किया जाता है। उनमें से यदि किसी भी एक स्टेज में मेल के व्यवहार में, अगर मेल के बिहेवियर में अगर चेंज हो जाता है, तो उसमें मैटिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसी तरह से फ्रॉग, टॉड, बर्ड्स और इंसेक्ट, ये स्पेसिफिक साउंड के द्वारा स्पेसिफिक कॉल्स करते हैं उत्पन्न, और अपने मैटिंग ब्रीड को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है इसमें मैकेनिकल आइसोलेशन। कुछ प्राणियों में उनके कपलेटरी ऑर्गन्स में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि एक पॉपुलेशन के मेल जो है वो दूसरी पॉपुलेशन की फीमेल्स के साथ में कपलेशन नहीं कर पाते हैं।
फलस्वरूप इनमें गैमेट जो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन। कुछ के कपलेशन की फिजियोलॉजी इतनी अलग होती है कि विभिन्न जाति के प्राणियों के बीच में मैटिंग नहीं हो पाता है तथा उनके बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन उत्पन्न हो जाता है। इस तरह केवल फिजियोलॉजी में भिन्नताओं के आधार पर प्राणी एक दूसरे से वियोजित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए ड्रोसोफिला की कुछ जातियों में आपस में मैटिंग पॉसिबल नहीं होती है। नेक्स्ट है सेकंड फैक्टर आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, जो कि इंट्रा ब्रीडिंग को अंतर जातीय संकरण की पूर्ण सफलता को रोकती है। इसमें तीन मेन कारक है। पहला है गैमेटिक आइसोलेशन, सेकंड है हाइब्रिड इनवायबिलिटी एंड थर्ड है हाइब्रिड फर्टिलिटी। तो इसमें से पहला है गैमेटिक आइसोलेशन। गैमेटिक आइसोलेशन में पहली बात तो दो विभिन्न जाति के प्राणियों के बीच में मैटिंग पॉसिबल नहीं होती है, परंतु यदि मैटिंग हो भी जाए तो उनके जो गैमेट्स हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। अगर फर्टिलाइजेशन से पहले ही गैमेट्स जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं या एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन जो है इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होता है, तो स्पर्म जो है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में विशिष्ट एंटीजन्स के प्रभाव से मर जाते हैं। अतः इनमें फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसी तरह एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में भी स्पर्म किसी अन्य जाति के अंडे में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, अतः इसमें स्पर्म और ओवम दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इस तरह प्राणियों के बीच में आइसोलेशन उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए पैटरसन ने ड्रोसोफिला की विभिन्न जातियों के प्राणियों के बीच में फर्टिलाइजेशन करवाया तो उन्होंने देखा रिप्रोडक्शन करवाया तो उन्होंने देखा कि फीमेल्स के रिसेप्टिकुला सेमिनिस यानी शुक्राधानों में स्पर्म मोबिलिटी जो है कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, जबकि सजातीय प्राणियों में शुक्राणुओं की गतिशीलता अधिक समय तक बनी रहती है। इसी प्रकार से लिली ने सी अर्चिन की दो जातियों के अंडाणु और शुक्राणु एक साथ मिला करके रखे और उनमें देखा कि फर्टिलाइजेशन की रेट जो है वो बिल्कुल नहीं के बराबर थी या बिल्कुल कम थी। सेकंड है हाइब्रिड इनवायबिलिटी। सामान्यतः तो विभिन्न जातियों के प्राणियों के बीच में निषेचन होता ही नहीं है, परंतु किन्हीं परिस्थितियों में अगर निषेचन हो भी जाता है, फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है, तो अभी इस फर्टिलाइजेशन से एग का डेवलपमेंट नहीं होता है या इस प्रकार के फर्टिलाइज्ड एग से विकसित हाइब्रिड जो प्राणी बनता है वो इनवायबल यानी जीवनसम होता है, और जो हाइब्रिड प्राणी हैं इनमें जीवन असम्यता यानी हाइब्रिड इनवायबिलिटी का विकास लैंगिक परिपक्वता के पूर्व कभी भी हो सकता है, यानी कि वो सेक्सुअली मैच्योर होने से पहले ही नष्ट हो जाएगा या मृत्यु हो जाएगी उसकी। इनमें जीवन असमता का विकास सामान्यतया तो इस तरह के संक्रमण से उत्पन्न प्राणी भ्रूणीय अवस्था में ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही समाप्त हो जाते हैं या फिर पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में या जन्म के बाद में मर जाते हैं। उदाहरण के लिए मछलियों में सामान्यतया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक बार में जल में अनेक जाति की मछलियों के अंडे और शुक्राणु विसर्जित होते हैं तो इनका विभिन्न जो है स्पेसीज इनकी मछलियों के द्वारा एग्स और स्पर्म जो है डिस्चार्ज किए जाते हैं। कभी कभी इनमें दो विभिन्न जाति के अंडाणुओं में ये शुक्राणु प्रवेश करके अंडे को डेवलपमेंट के लिए
विकास के लिए प्रेरित कर देते हैं। यह अंडा कुछ विकासीय अवस्थाएं प्रदर्शित करता है लेकिन उपयुक्त गुणसूत्रों के अभाव में मर जाता है। इसी तरह वार्विक एवं बेरी ने भेड़ और बकरी के बीच में संकरण कराया और यह देखा कि संतान संकर भ्रूण जो है सामान्य ही दिखाई देता है लेकिन यह पूर्ण रूप से विकसित होने से पहले ही मर जाता है। इसी प्रकार से हर्टविग ने विभिन्न भ्रूणों में होने वाले इस तरह के विक्षोभों का वर्णन किया है। लास्ट है इसमें हाइब्रिड सर्टिलिटी या संकर बंध्यता। तो पहली बात तो इनमें रिप्रोडक्शन होता नहीं है, मैटिंग होती नहीं है। अगर मैटिंग हो भी जाए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो जाइगोट जो है वो शुरुआती अवस्था में या बाद की अवस्था में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बाद की अवस्था में या जनन के तुरंत बाद में मर जाता है या वो सेक्सुअली मैच्योर होने से पहले मर जाता है, या फिर वो अगर जिंदा रहता है तो उसमें संकर बंध्यता यानी कि वो संतति उत्पन्न करने में अक्षम होगा। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में संकरण के फलस्वरूप यदि संकरित संतान उत्पन्न भी हो जाए तो भी वे जननिक रूप से यानी रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड रहेंगे, क्योंकि इस तरह से उत्पन्न संतान सर्टाइल होती है, बंध्य होती है, और बंध्य होने के कारण ये जनन करने में असमर्थ होती हैं तथा संकरण के फलस्वरूप उत्पन्न ये जीनी संयोगों को आगे की संतति में प्रसारित नहीं कर पाती है। अतः ये जीनी संयोग या जीन कॉम्बिनेशन केवल उन्हीं प्राणियों तक सीमित रहते हैं और इस प्रकार संततियाँ जीवित रहकर भी आइसोलेशन उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिए घोड़े और गधे के बीच में संकरण से खच्चर या मूल उत्पन्न होता है जो सर्टाइल होते हैं, बंध्य होते हैं, और यह बंध्यता इसलिए उत्पन्न हो जाती है कि ऐसे प्राणियों में युग्मक जनन के समय, गैमेटोजेनेसिस के समय, मियोसिस के दौरान समजात गुणसूत्रों के युग्म नहीं बन पाते हैं। होमोलोगस जो क्रोमोजोम्स है उनके पेयर्स नहीं बन पाते हैं या विभाजन के लिए तरकु रेशों का निर्माण नहीं हो पाता है, स्पिंडल फाइबर जो हैं वो नहीं बन पाते हैं, या गैमेटोजेनेसिस के समय कोशिकाओं में विभाजन नहीं हो पाता है, अतः ये प्राणी बंध्य ही रह जाता है। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो ये दो इसके लिए व्यूज बताए गए हैं। फर्स्ट व्यू है मुलर्स व्यू और सेकंड है डॉबजेनेस्कीज व्यू। तो फर्स्ट है इसमें मुलर्स व्यू। एक ही जाति के प्राणियों की पॉपुलेशन जो है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के कारण छोटे छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड रहती है तथा ये जो सब ग्रुप्स है ये स्वतंत्र पॉपुलेशन को निरूपित करते हैं और इन उपसमूहों के आवासीय वातावरण में भिन्नता और जीन स्ट्रक्चर में उत्पन्न वेरिएशंस के कारण इनमें आपस में प्रजनन नहीं हो पाता है और इन सब ग्रुप्स में धीरे धीरे जीन फ्लो रुक जाता है और धीरे धीरे इन समूहों में उत्परिवर्तन म्यूटेशन उत्पन्न होते रहते हैं तथा क्लाइमेटिक या एनवायरमेंटल चेंजेज के प्रति भी ये अडेप्टेड होते रहते हैं। तो इस प्रकार एक लंबे अंतराल के बाद में इन सब ग्रुप्स का जीनोटाइप इतना चेंज हो जाता है कि यदि ये कि यदि कभी इन्हें अपनी सिंपेट्रिक स्पेसीज के सदस्यों के साथ में प्रजनन करने का अवसर भी प्राप्त हो तो ये प्रजनन नहीं कर पाते हैं। सेकंड है डॉबजेनेस्कीज व्यू। तो डॉबजेनेस्कीज ने रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जन्निक वियोजन उनके पूरक जीनों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है और नेचुरल सेलेक्शन इन परिवर्तनों का पक्षधर होता है। डॉबजेनेस्की ने यह भी बताया कि सामान्यतः विभिन्न जातियों के संकरण से उत्पन्न संतान या तो जीवित नहीं रहती है या बंध्य होती है, क्योंकि वे वातावरण के प्रति कम अनुकूलित होती है और नेचुरल सेलेक्शन इन हाइब्रिड्स का पक्षधर नहीं होता है, अतः ये स्वतः ही विलुप्त हो जाती है। डॉबजेनेस्की के अनुसार संकरण जो है हाइब्रिडाइजेशन करने वाली जातियों की जननिक शक्ति कम हो जाती है, उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम हो जाता है, क्योंकि जातीय संकरों की संतति में पुनः संयोजन से विसंगत
जीन प्रतिरूपों का निर्माण होता है। डॉब्जेनस्की का मानना यह है कि नेचुरल सेलेक्शन संकरण के विरुद्ध कार्य करता है, अतः नज़दीकी संबंधित जातियों में भी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन उत्पन्न हो जाता है। लास्ट है रोल ऑफ आइसोलेशन इन इवोल्यूशन। तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने जाति उद्भवन में वियोजन को एक महत्वपूर्ण कारक माना है। उदाहरण के लिए जैसे मायर, सिम्पसन, लेक आदि ने बताया कि वियोजन जो है वो एलोपैट्रिक एंड सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन के लिए महत्वपूर्ण कारक है। एक ही जाति के सभी सदस्यों का डिस्ट्रीब्यूशन समान और लगातार नहीं होता, कंटिन्यूस नहीं होता है। वे छोटे छोटे ग्रुप्स में उपस्थित होते हैं और एक ही जाति के छोटे छोटे और जो उप सब ग्रुप्स है जो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर स्थित होते हैं उनको एलोपैट्रिक स्पेसीज ग्रुप्स कहलाते हैं, और दूरी के कारण इनमें आपस में प्रजनन नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से एक ही जाति के सदस्य जो एक ही आवासीय क्षेत्र में रहते हैं वे सिम्पेट्रिक स्पेसीज का निर्माण करते हैं। अक्सले, थॉर्प, एली आदि ने यह बताया कि ज्योग्राफिकल बैरियर्स के बिना भी सिम्पेट्रिक स्पेसीज में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन उत्पन्न हो सकता है, और इस तरह की जातियों में आइसोलेशन जो है जेनेटिक मटेरियल में हुए अकस्मात परिवर्तनों यानी म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होता है, और इस प्रकार से ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड स्पेसीज के सब ग्रुप्स जो हैं वो स्वतंत्र रूप से नई जातियों में विकसित हो जाते हैं। थैंक यू।